हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग का क्लास 18 है, प्लेन टू पैरामाउंट। इसमें हम बुक कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पार्ट। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने वन वर्ड में ओमनीसियंट तक कर लिया था, आज हम करेंगे ओपेक में। अब इसमें देखिए जो वन वर्ड बचे हैं ना, वो दो क्लासेस में फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि अब हम सेपरेट पार्ट एक एक लेकर चलना है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप एक एक चीज़ पूरी फिनिश करते चलें इस बुक की। पर एक बात और आपको कहनी थी कि इस टाइम अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, मॉक टेस्ट ये सारे प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हो, तो आप लोग ऑनलाइन लेना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अमेज़ॉन की लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफलाइन लेना है तो कोई बात ही नहीं है, ऑनलाइन लेना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओपेक। ओपेक आपको पता है, जिसके आर पार हम ना देख पाएं, ट्रांसपेरेंट का ओपोजिट होता है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़ करते हैं इसको लोग। इसका मतलब ये होता है कि आप उम्मीद से पूरा भरे हुए हो, यानी कि वो क्या है, एक आशावादी है। ठीक है, अ पर्सन हु लुक्स टू बी टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है ओरेटर। ऑरेटर कहते हैं जो बहुत ही अच्छा स्पीच बोलने वाला इंसान हो, यानी कि वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। ठीक है, ये भी कॉमन है। फिर आता है आपका ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कहते हैं गार्डन ऑफ फ्रूट्स। फिर आता है ऑर्फन। ऑर्फन कहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से बाहर चले जाना। ठीक है, सोसाइटी से बाहर चले जाना, उसको कहते हैं ऑस्ट्रसाइज। नेक्स्ट है ओविप्रस। ओविप्रस कहते हैं जो एक्स को बेयर करते हैं एंड नॉट यंग वंस। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, जो यानी कि पूरी तरीके से सिर्फ सुकून पसंद हो, जिसको वॉर को बिल्कुल पसंद ना करे, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर। एबॉलिशन कहते हैं हटाने को। नेक्स्ट है पेजिंग। पेजिंग कहते हैं जो इलेबरेट पब्लिक स्पेक्टिकल कह सकते हैं आप, जो नुमाइश वगैरह होती है, फेयर होता है, इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है पैलेटेबल। पैलेटेबल जो होता है, इसको कहते हैं कोई ऐसा फूड या फिर ड्रिंक हो जो बहुत अच्छा लगे टेस्ट में, उसे कहते हैं। पैनेसिया आपको पता होगा, पैनेसिया कहते हैं कि कोई एक ऐसी रेमेडी होती है जिसमें जिसके अंदर सारे मतलब जितनी भी बीमारियां हो सब दूर हो जाए जिसको लेने से, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, आ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, उसे कहते हैं पैनेसिया। नेक्स्ट है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम पहले भी वर्ड आ चुका है इसको, जो बहुत ज़्यादा साउंड ऐसा होता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बहुत खराब लगता है सुनने में, उसे कहते हैं अ वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर। ठीक है, पैंडेमोनियम ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पैनेजरिक कहते हैं तारीफों से भरा हुआ लेटर, आप कह सकते हैं पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, जिसमें सिर्फ तारीफें हो। ठीक है, ऐसा पीस हो जिसमें सिर्फ तारीफें लिखी हूँ, उसे कहेंगे पैनेजरिक। ठीक है, फिर है पैंटोमाइम। पैंटोमाइम कहते हैं जो खामोशी से जो साइलेंट परफॉर्मेंस होती है, जिसमें बातचीत या बोल नहीं होते हैं, यानी कि डम शो होता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को। ठीक है, कठपुतली डांस वगैरह जो इस टाइप के होते हैं वो सब इसमें आते हैं पैंटोमाइम में। नेक्स्ट है पैरमर। पैरमर कहते हैं सेक्सुअल पार्टनर और लवर। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट जो दूसरे पे पूरी तरीके से क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनका अपना कुछ नहीं होता है, वो अपने दूसरों से फायदा उठाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फूड इस तरह से लेते हैं, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। नेक्स्ट पैरासोल। पैरासोल कहते हैं अ लेडीज अम्ब्रेला, मतलब कि कलरफुल अम्ब्रेला, इसका यह मतलब है। नेक्स्ट पैरासाइट। अब हमने प्रीवियस सेशन में बताया था कि साइट जहाँ पर आता है इसका मतलब होता है मर्डर करना। ठीक है, अब इससे पहले जो वर्ड लगा होगा इससे हम डिसाइड करेंगे कि वो किसका मर्डर की बात है, यानी कि पैरासाइट। पैरासाइट में आप ध्यान रखिएगा डबल आर है, तो उसमें किस में पेरेंट्स आ जाएगा। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स को मर्डर की बात होती है, यानी पैट्रिसाइड कहते हैं सिर्फ फादर की डेथ। ठीक है, फादर का मर्डर। ठीक है, किलिंग ऑफ वन्स ओन फादर, अपने ही पापा को मार देना, उसको कहते हैं पैट्रिसाइड। तो पिछले भी सेशन में हमने काफ़ी सारे बताए थे, एक था मैरिटिसाइड, एक था मैट्रिसाइड, उनमें डिफरेंस भी बताया था। अगर आपको ये
सब पिछले देख लेंगे तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस में हमने बताया था और यहाँ पे आप फौरन यहाँ पर इसको अपडेट हो जाएंगे कि हाँ ये भी होता है। फ्रेट्रिसाइड ये सब हम बता चुके। नेक्स्ट है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी कहते हैं इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, जो कहते हैं ना कि जो उसको फादर से या फिर मेल एंसेस्टर से जो इनहेरिटेड हुआ है, जो उससे आया है, उसे कहते हैं पैट्रीमनी। फिर पैट्रियट आपको पता है, वन हु लव्स वंस कंट्री, अपनी कंट्री से मोहब्बत करने वाला क्या कहलाता है, पैट्रियट कहलाता है। नेक्स्ट है पैट्रोनिमिक। पैट्रोनिमिक कहते हैं जो जैसे फादर का नाम लगता है ना आगे, नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ फादर, क्या करते हैं, या फिर एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब पूर्वज को कहते हैं, ठीक है, जो हमसे पहले थे दुनिया में, तो वो या फिर अपने फादर का जो नाम को लेते हैं उसको कहते हैं पैट्रोनिमिक। नेक्स्ट है पॉपर। पॉपर कहते हैं जिसके पास लिवलीहुड के लिए बिल्कुल कुछ भी ना हो, ठीक है, वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कंगाल हो एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है पिकलेशन। पिकलेशन कहते हैं पब्लिक मनी को यूज करना अपने फायदे के लिए, ठीक है। पब्लिक क्या करते हैं वो लोग, घोटाले जो करते हैं पॉलिटिशियंस, तो वो कैसे करते हैं, उसे गबन जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो उस यही चीज है कि यानी कि पब्लिक मनी को यूज करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं पिकलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेडांटिक। पेडांटिक कहते हैं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ हो जिससे आप कुछ नॉलेज डिस्प्ले करना चाहते हैं या फिर कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं पेडांटिक। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कहते हैं जो पैदल चलते हैं, वन हु वॉक्स ऑन फूट, ये थोड़ा इजी में आ जाता है। पेनिनसुला। पेनिनसुला कहते हैं जो सी से ऑलमोस्ट जो लैंड एरिया कवर होता है, तो उसको कहते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट है पैंटागन। पैंटागन कहते हैं प्लेन फिगर जिसमें फाइव साइड्स हो, उसको कहेंगे। नेक्स्ट है परसेप्टेबल। परसेप्टेबल कहते हैं कि सेंसेस के थ्रू जो हम परसीव कर सकें, ठीक है, ऐसा जो सेंसेस के थ्रू परसीव कर सके, समझ में आ रहा है कि उन चीजों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, इसको कहते हैं परसेप्टेबल। नेक्स्ट है पेरोरेशन। पेरोरेशन कहते हैं किसी भी स्पीच का कंक्लूडेड पार्ट होना, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट निकाल देना, एक निचोड़ निकाल दें किसी चीज का, किसी कोई पैसेज कुछ लिखा हुआ है उसका क्या करते हैं, कंक्लूडेड पार्ट की ये कहना क्या चाहते हैं, उसको कहते हैं पेरोरेशन। नेक्स्ट है परसीवियरेंस। परसीवियरेंस कहते हैं जो हम लोग को एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी होता है, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ठीक है, जो आपकी लगन जिसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, परसीवियरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस कहते हैं जो बहुत ही तेजी से किसी भी चीज को जज कर लेता है, समझ जाता है बहुत ही तेजी से। अब जो जल्दी से किसी चीज को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा या फिर जज कर जाएगा सही, वो क्या कहलाएगा, बहुत ही ज्यादा उसकी क्या है, इसका ब्रेन यानी कि बहुत तेज काम करता है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं परस्पिकेशियस। नेक्स्ट है परवर्जन। परवर्जन कहते हैं किसी जैसे किसी चीज में आप चेंज ले आते हैं, तो वो बदल जाती, चेंज हो जाती ना, यानी कि किसी भी चीज को एबनॉर्मल कर देना, अननेचुरल बना देना, या फिर एक वर्ड होता है डिनेचुरेशन, वो भी इसके लिए यूज किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा परवर्जन से ही कहते हैं, ठीक है, किसी चीज को बिगाड़ देना। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट। ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं, जो किसी भी चीज को ब्राइट साइड देखेंगे, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, तो वो ब्राइट साइड को देखेंगे, चीजों को उस तरह से सोचेंगे, लेकिन जो पेसिमिस्ट होते हैं उनके अंदर होप जो होती है ना, होप वो मर चुकी होती है, ठीक है, होप का दी एंड हो चुका होता है, तो ये याद रखिएगा ऑप्टिमिस्ट को ऑपोजिट पेसिमिस्ट है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वो क्या करेगा, हमेशा किसी चीज को अच्छा पार्ट नहीं देख पाएगा, वो डार्क साइड ही देखेगा, क्यों, क्योंकि वो पेसिमिस्ट है। नेक्स्ट है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर कहते हैं अ मैन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, जिसको अंडरलाइन करते हैं, इसको ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है मेन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए अंडरलाइन करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट को याद रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी किसकी होते हैं, स्टडी करना, मैनकाइंड की स्टडी करना है ना, और जो ये फिल ये वर्ड लगा है ना फिलन, तो ये जो होता है इसका मतलब होता है लव,
तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अलावर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट कहते हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से लव का कोई मसला नहीं, तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। फिलेटलिस्ट कहते हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है फेलेस्टाइन। फेलेस्टाइन कहते हैं जो आर्ट और लिटरेचर इन सबको बिल्कुल ना पसंद करे उसे कहते हैं। पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, उस बिल्कुल भी पसंद नहीं करे अगर, तो उसे कहेंगे फेलेस्टाइन। नेक्स्ट है फेलोगाइनिस्ट। जहाँ पे गाइनी वर्ड आ जाता है मतलब कि वुमेन की बात है, और एंथ्रो वर्ड आता है मैनकाइंड। मैनकाइंड में सब आ जाते हैं, मैन वुमेन दोनों आ जाते हैं, तो ये डिफरेंस समझेगा। और एंड्रो वर्ड जो आता है, एंथ्रो नहीं एंड्रो वर्ड आता है, वो आपका मेल को दिखाता है, मेल शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइनी वर्ड है, ये वुमेन को शो कर रही है, यानी कि अलवर ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है, फिलोगाइनिस्ट। फिलोलॉजी कहेंगे साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज की स्टडी करेंगे किसमें, फिलोलॉजी में, ये अच्छा है याद रखिएगा। पिलग्रिम कहेंगे वन हु ट्रैवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस, सैक्रेड प्लेस पे जो ट्रैवल करते हैं उन्हें कहते हैं। पायनियर किसे कहते हैं, पायनियर कहते हैं जो किसी भी ग्रुप को या किसी भी फील्ड में जो लोग होते हैं दूसरों को लीड करने वाला होता है, यानी कि लीडर कह सकते हैं आप, पायनियर कहलाता है। वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड। नेक्स्ट है पिकेंट। पिकेंट इसकी स्पेलिंग अच्छे से देखिएगा, पिकेंट इसको कहते हैं प्लीजेंट और शार्प टू द टेस्ट, इंटरेस्टिंग। कोई भी चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही हो, मतलब उसमें आपका दिल लग रहा हो, दिलचस्प हो, है ना, इंटरेस्ट आप ले पा रहे हो, उसको कहेंगे। चाहे टेस्ट हो, चाहे टेस्ट की बात करें, चाहे इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या चीज़ है। प्लीजेंट और शार्प टू द टेस्ट, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है प्लेकार्ड या पोस्टर। तो ये सबको पता है, रिटन और प्रिंटेड नोटिस पास्ट इन पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। अब देखिए प्लेजरिज्म जो होता है ना, वो आप कह सकते हैं लिटरेरी थेफ्ट, मतलब जैसे हर चीज़ में चोरी होती है ना, जैसे किसी के कोई वर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे या फिर किसी का आइडिया बहुत अच्छा लगे, उसे हम क्या कर लें, उसे किसी ऑथर का, तो उससे हम चुरा लें, ठीक है, और उसे अपने फायदे के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर लें, तो उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड कहते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझिएगा, प्लैटिट्यूड कहते हैं मतलब कि कोई, जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं एक बात को कहते हैं सही होती है वो, लेकिन इतनी बार कहते हैं, इतनी बार कहते हैं कि फिर बच्चों पर उसका असर होना खत्म हो जाता है। नॉट स्टिमुलेटिंग, वो हमारे जज्बातों को स्टिमुलेट नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या हो जाते हैं, वो डल हो जाता है, ठीक है। तो बार बार रिपीटिशन से क्या होता है, वही वही बात कहने से उसका असर कम हो जाता है, इसी चीज को कहते हैं प्लैटिट्यूड। समझ में आ गया, एटीट्यूड से याद रखिएगा प्लैटिट्यूड, ठीक है। स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हेंस डल और नॉट स्टिमुलेटिंग। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। अब क्रेसी आ गया है, इसका मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, कोई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, अब किसके थ्रू होगी ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वर्ड इससे पहले क्या लिखा है। तो प्लूटो लिखा है, इसका मतलब अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास, समझ में आ रहा है, रिच एंड पावरफुल क्लास, उनके थ्रू जो गवर्नमेंट बनेगी उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉली एंड्री। पॉली मतलब बहुत, और एंड्री मतलब एंड्रो वर्ड आता है मेल के लिए, यानी कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जो मैरिज होती है उसमें कई अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के रीति रिवाज चलते हैं, तो सब जगह अलग अलग चलते हैं, तो उसके हिसाब से ये नाम पड़े, पॉलीगैमी। अब गैमी वर्ड जो होता है वो मैरिज को शो करता है, पॉलीगैमी, ठीक है, यानी कि बहुविवाह इसमें इन्होंने लिखा भी है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू स्पाउसेस एट द सेम टाइम, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट कहेंगे पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस पे कमांड, पर्सन होता है जिसको कमांड हो उसको कहेंगे पॉलीग्लॉट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन सिंपल, जिसमें बहुत सारे एंगल्स हो, बहुत सारी साइड्स हो, एक से ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉस्थमस। पॉस्थमस कहते हैं जो रिसीव्ड आफ्टर डेथ, सिंपल, ये सबको पता है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, ठीक है, कोई चीज साइन होने के बाद उस पर अगर कुछ लिखा जाए तो उसको कहेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड।
नेक्स्ट है प्रीडिकमेंट। प्रीडिकमेंट कहते हैं बहुत ही बुरी सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं, मुश्किल कह सकते हैं, डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, प्रीडिकमेंट से याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज सबको पता है, बी बायस्ड अगेंस्ट। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, ओपिनियंस को लेकर, थॉट्स को लेकर हम ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन कहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कोई भी चीज़ होने वाली है, आगे फ्यूचर में होने वाली है, और हमें इसका पहले से एहसास हो जाए, है ना, पहले से हमें फील हो जाए, स्पेशली कोई खतरे की अगर बात हो, तो इस चीज़ को कहते हैं प्रिवनिशन और वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। ठीक है, ये अच्छा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव कहेंगे जो स्पेशली राइट किसी को मिलता है, एब्सोल्यूट राइट कहेंगे, ठीक, प्रीरोगेटिव। नेक्स्ट है प्रोडिजी। प्रोडिजी कहेंगे आप, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि आजकल देखते हैं टैलेंट की कमी नहीं बच्चों में, तो वही हर हर जिस बच्चे को देखें आप, उसमें एक यूनिक टैलेंट दिखेगा। ठीक है, जो कॉमन ना हो, अनयूजुअल हो, रिमार्केबल हो, है ना, तो उस इसको कहते हैं प्रोडिजी। अच्छा है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। नेक्स्ट है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन कहते हैं एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाई एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस। प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए आप क्या करें, फोरकास्ट करें, यानी कि आज के हालात क्या हैं, उस वो देखते हुए हम पूरा उसको एनालाइज करें, और फिर हम फ्यूचर की बात करें कि आगे चलकर इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको कहते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग कहते हैं अ स्पीच और अ पोयम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। किसी भी प्ले के शुरुआत होने से पहले स्पीच होती है, फिर कोई पोयम रिसाइट की जाती है, उसको कहते हैं प्रोलॉग। ये भी बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस कहते हैं हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स। नेक्स्ट है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट कहते हैं कोई इंसान जो प्रपोजल लेके आता है या फिर प्रपोज करता है कोई भी चीज, उसको कहते हैं प्रोपोनेंट। पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग, वो चाहे कोई ऑफिशियल लेटर हो, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी कहते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मॉरल मर्यादा। नेक्स्ट है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर इसके दो मीनिंग हुए, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टर है किसी आइडिया या फिर पॉलिटिकल सिस्टम का, आइडिया हो या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, उसका इम्पॉर्टेंट सपोर्टर, उसे कहेंगे प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, और दूसरा किसी स्टोरी या फिर ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन हीरो या कोई भी होता है, उसे एक चीफ एक्टर, उसे कहेंगे प्रोटैगनिस्ट। तो इसके दोनों मीनिंग है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोटैगनिस्ट अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट कहेंगे कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल कंट्री, यानी कि कोई बहुत पावरफुल कंट्री है, वो किसी दूसरी कंट्री को क्या, अपने प्रोटेक्शन में रखे, तो उसे कहेंगे प्रोटेक्टरेट, यानी कि वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने अंडर एक कंट्री को। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट कहते हैं वाइज, बहुत ही समझदार, इसको कहते हैं प्रूडेंट। सीडोनिम। सीडोनिम किसे कहेंगे, जो उसका रियल नेम नहीं हो बल्कि ऑथर के थ्रू नाम दिया गया हो उसे, या फिर आर्टिफिशियल नेम, निक नेम, कुछ भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, किसी के थ्रू दिया गया नाम हो उसको कहेंगे स्यूडोनिम। नेक्स्ट है पंक्लिशियस। अब देखिए पंक्लिश, यहाँ पे स्पेलिंग सही करिएगा, एल होगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग सही करिएगा। पंक्लिशियस होता है मतलब वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, होते हैं लोग बहुत ही मैनर्स में रहते हैं, एटिकेट्स उनके बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत केयरफुल होने वाला इंसान, ठीक है, कि वो किस तरह से बिहेव करेगा उसे कहते हैं पंक्लिशियस। नेक्स्ट है पायरोटेक्निक। आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, ठीक है, आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स। नेक्स्ट है क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड कहते हैं जो 4 फुटेड एनिमल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेबल। रेबल कहते हैं, आपको पता है, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले आता है उसे क्या कहते हैं, रेबल, द्रोही कहते हैं। नेक्स्ट है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम लोग रिकैप शॉर्ट में इसे बोलते हैं, रिकैप यानी कि रिपीट करना कुछ खास पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को रिपीट करना। नेक्स्ट है रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज कहते हैं जो
इंसान अकेला रहना चाहे, किसी की कंपनी पसंद नहीं करे, अकेला रहना चाहे, वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, जिसको कंपनी ना पसंद हो उसको अवॉइड करे, यानी कि रेक्लूज कहते हैं उसे। नेक्स्ट है रिकनसाइल। रिकनसाइल कहते हैं, इसी का ऑपोजिट आप समझ लीजिए कि जो मिलना जुलना चाहता है, एग्रीमेंट करता है, ठीक, एक हार्मनी बनाए रखना रखता है, ब्रिंग अबाउट हार्मनी और एग्रीमेंट, ठीक है, रिकनसाइल हो गया। नेक्स्ट है रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, यानी कि किसी भी आपके जो दुश्मन फोर्सेस हैं उनके जो एक्टिविटी हो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको गैदर करें, रिकॉनिसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है रेड टैपिस्म। रेड टैपिस्म हम बता चुके हैं वोकैबुलरी में, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना एकदम, आप यहाँ पे कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, ठीक, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहते हैं जैसे कोई भी चीज आप काम कर रहे हैं जितना आपको जरूरत है, अब उससे ज्यादा अगर है तो यानी कि वो अननेसेसरी पार्ट हो गया। तो व्हेन समथिंग इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट इज नीडेड, ठीक है, जरूरत से ज्यादा है इसलिए वो क्या हो गया, अननेसेसरी हो गया पार्ट वो चीज, और रिडंडेंसी उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है रेजिसाइड। फिर से साइड वर्ड आ गया, यानी कि किसी के मर्डर की बात है, अब रेजी की बात है, यानी कि रेजिगन, तो इसको ऐसे याद रखिएगा राजा, रेजी राजा, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। तो क्या हो गया, किलिंग ऑफ किंग। ओके नेक्स्ट है रेलिगेट या फिर डिमोट। तो कहते हैं ना डिमोशन हो गया उसका, यानी कि उसका किसी ऑफिस में डिमोशन हो गया, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी उससे वो अपनी पोजीशन से लोअर पोजीशन पे आ गया, यानी कि रिड्यूस टू अ लोअर पोजीशन। रिलेक्टेंट होता है अनविलिंग। नेक्स्ट है रिमिशन। रिमिशन कहते हैं पार्डन और फॉरगिवनेस फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉस। नेक्स्ट है रेंडेवू। रेंडेवू कहते हैं प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, ठीक है, किसी कहीं चीज मतलब मिलने के लिए या कोई जगह फिक्स हो तो उस फिक्स्ड प्लेस को कहेंगे रेंडेवू। नेक्स्ट है रिनेट। रिनेट कहते हैं पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को चेंज कर लेता है जो इंसान, उसे कहते हैं रिनेट। कहते हैं सपोर्ट टू समवन एल्स और समवन और सम अदर नेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिपार्टी। रिपार्टी कहते हैं विटी एंड क्लेवर आंसर, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा क्विक रिप्लाई करता है, बहुत तेजी से रिप्लाई करता है, हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं उसे कहते हैं रिपार्टी। आज 4:21 पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वो इसकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। यहाँ पर आज रिपार्टी पे फिनिश कर देते हैं वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।